नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। घर में इन चीजों का अचानक से देखना हो सकता है पितरों की उपस्थिति का संकेत। पितृ पक्ष का समय ऐसा माना जाता है जो हमारे पूर्वजों को समर्पित होता है। इस दौरान हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और अपना आशीर्वाद अपने वंशजों को देते हैं। इसे श्राद्ध या महालय पक्ष के रूप में भी जाना जाता है। हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार 16 दिनों की अवधि ऐसी होती है जो किसी के भी पूर्वजों या पितरों को सम्मान और श्रद्धांजलि देने के लिए समर्पित होती है। मान्यता है कि इन 16 दिनों में पूर्वज हमारे आसपास ही होते हैं, इसीलिए उन्हें जल तर्पण किया जाता है। इस दौरान पूर्वज किसी भी रूप में आपके आसपास आ सकते हैं और यदि आप उनकी शांति के लिए सही उपाय नहीं करते हैं तो वो नाराज होकर वापस चले जाते हैं, जिससे आपके घर में पितृ दोष हो सकता है और बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। इस पूरी अवधि में लोग घर में कई तरह के ज्योतिष उपायों का पालन करते हैं और पूर्वजों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, जिससे पूर्वजों की कृपा बनी रहे। आइए ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आरती दहिया से जाने कि आपके घर में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके घर में पितरों की उपस्थिति दिखाते हैं। यदि आपके घर में अचानक से पीपल का पौधा निकल आए तो ये आपके घर में पितरों की उपस्थिति की वजह से हो सकता है। ऐसा संभव है कि आपके घर में पितृ दोष है या फिर पितर आपसे नाराज हैं। घर के पितृ दोष से मुक्ति के उपाय खोजने चाहिए। ऐसा माना जाता है पीपल का पौधा पूर्वजों की उपस्थिति का संकेत होता है। ऐसी स्थिति में आपको पितरों को पितृ पक्ष के दौरान तर्पण जरूर करना चाहिए, जिससे उनकी नाराजगी दूर हो सके। घर में लाल चींटियों का आना पितरों की उपस्थिति का संकेत। अगर पितृ पक्ष के दौरान आपके घर में अचानक से लाल चींटियां दिखाई देती हैं और आपको उनके आगमन का सही कारण पता नहीं चल पाता है तो ये आपके घर में पितरों की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। हमारी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।